लुम्बिनी के माया देवी मंदिर परिसर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस पीपल के वृक्ष का जलाभिषेक करेंगे। ये वृक्ष खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो क्यों है ये जानने के लिए हमारे साथ जो ट्रस्ट है लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट, उससे नवीन करण जी। नवीन जी, क्यों खास है ये पेड़ प्रधानमंत्री? इसलिए खास है कि 2014 में जब सम्माननीय प्रधानमंत्री नेपाल आने वाले थे उसी टाइम में उनके हाथों से ये पेड़ रोपे जाने वाला था, लेकिन उस टाइम किसी वजह से वो नहीं आ पाए। क्योंकि अभी उसी टाइम में जब वो नहीं आए थे तो उस टाइम में नेपाल के इंडिया के तरफ से नेपाल में राजदूत थे रंजीत रे, उन्हीं के हाथों ये पेड़ रोपा गया। क्योंकि अभी मौका मिला है तो वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और जो पेड़ लगाया हुआ था उनके नाम से वो खुद अपने हाथों से यहाँ जल डालेंगे इसमें और जो अधूरा था वो काम अभी पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जलाभिषेक करेंगे इस पीपल के वृक्ष का, जिस वृक्ष को 2014 में उनको रोपना था, जिस पौधे को रोपना था, पौधे के रूप में जिस वृक्ष को रोपना था वो नहीं कर पाए थे, लिहाजा भारतीय राजदूत ने किया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवसर मिला है तब प्रधानमंत्री जो अधूरा काम रह गया था कहें कि उसको पूरा करेंगे, कम रोप नहीं पाए, लेकिन अब जो वृक्ष हो रहा है पौधे से अब बड़ा आकार में ये वृक्ष हो रहा है उसका जलाभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।